ओके, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? ओके हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे ना? रेस्पिरेशन हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके से होता है, अर्थवर्म में याद है ना आप लोग को कैसे होता है, अर्थवर्म में कैसे होता है? मैम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हाँ, और इंसेक्ट्स में? इंसेक्ट्स में कैसे होता है के रेस्पिरेशन? हेल्प से ट्रैकिया की हेल्प से होता है। और लैंड एनिमल्स में? ह्यूमंस हमारे में लंग्स के थ्रू है ना। एंड फिशेस में कैसे होता है? गिल्स गिल्स के थ्रू। आदिया आपने पूछा था स्टार फिशेस के बारे में ना, स्टार फिशेस में कैसे होता है? यस मैम स्टार फिशेस में दो चीजें होती है, एक तो स्टार फिश लाइक इस तरीके से है, फाइव आर्म्स होते हैं इनके, इनका जो अपर पार्ट होता है ना ये बना होता है डर्मल ब्रोंकिया का, ठीक है? डर्मल ब्रोंकिया का बना होता है। ये क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ गिल्स, ठीक है? ये गिल्स नहीं होता है बट इट एक्ट्स लाइक अ गिल्स। जैसे कि फिशेज में गिल्स क्या कर रहे थे, पानी से ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर ले रहे थे, उसी तरीके से सेम ये जो डर्मल ब्रोंकिया होता है इनके सरफेस के ऊपर, ये भी पानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? एंड इनका जो नीचे नीचे की ओर इनके बहुत सारे छोटे छोटे फीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? उन्हें हम ट्यूब फीट कहते हैं। ट्यूब फीट क्या काम करते हैं? ट्यूब फीट जो होते हैं वो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं स्टार फिशेज के, मतलब जैसे कि हमारे अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, हमारे अंदर हार्ट है, ठीक है? उसी तरीके से इनके अंदर ट्यूब फिट्स होते हैं जो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम की तरह काम करते हैं। इनका और भी फंक्शन होता है ट्यूब फिट का, वो लाइक लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, फूड फूड को लेने में भी हेल्प करते हैं, फूड इंजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है? सरफेस के साथ एडहेयर करने में भी हेल्प करते हैं, सो एडहेशन उनको बोलेंगे, एंड गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, क्लियर है? आपने ये दोनों चीजें पूछी थी, ट्यूब फिट एंड डर्मल ब्रोंकिया क्या होता है ना? यस मैम ओके, सो आज लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। ब्लड के अंदर हमने क्या क्या देखा था? मैम सारा हो गया था। हाँ, आरबीसी पढ़ा था हमने, डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, प्लाज्मा पढ़ लिया था और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ठीक है? प्लेटलेट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ना? क्या करते हैं प्लेटलेट्स? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। किस तरीके से हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में? देखो क्या होता है, सपोज ये आपका टिश्यू है जो इंजर्ड हो चुका है, ठीक है? टिश्यू इंजरी हुई है कहीं पे भी, आपको सपोज आपका हाथ कट गया, टिश्यू इंजर्ड हुआ, वहां से ब्लड बाहर आने लगा, ठीक है? तब क्या होगा कि जो आप आपके ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है ना, तो वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगे, एक प्रोटीन रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्ट हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, किसने बोला अभी? हाँ बोलो बच्चे। ओके, तो क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स जो है दे विल रिलीज अ प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है?
थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट अनदर प्रोटीन जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन भी हमारे प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स सॉरी प्लाज्मा के अंदर होता है। प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, एंड बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, एंड ये प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट होने के बाद थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस थ्रोम्बिन विल अगेन ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, दिस विल अगेन एक्टिवेट अनदर प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन को वो एक्टिवेट करेगा और फाइब्रीन में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये जो फाइब्रीन है वो हमारे आरबीसीज के साथ कंबाइन करके उनके ऊपर एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। सपोज ये आरबीसी है, इनके ऊपर एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एंड यहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लियर है सभी को क्या क्या हुआ, किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हुई, कोई भी टिश्यू हमारा इंजर्ट हो गया है, ठीक है, वहां से क्या हुआ, अभी ब्लड आना स्टार्ट हो गया। जब ब्लड आ रहा है तो ब्लड के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, हमने देखा ब्लड सेल्स है, उनके अंदर प्लाज्मा है एंड प्लेटलेट्स है, है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स के क्या करेंगे कि वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन रिलीज करेंगे, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू थ्रोम्बिन। देन ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, वो फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा और फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो आरबीसी होगी हमारी रेड ब्लड सेल्स, वो फाइब्रिन के साथ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी एंड ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, ये सभी को क्लियर है। गाइस बोलो, मयंक, श्रेया, आकाश सुन रहे हो मुझे, ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है, क्लियर है आपको, किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछो। मैम मैम टाइप्स ऑफ प्रोसेस इसमें पूछा जा सकता है क्या ब्लड क्लॉटिंग में, क्या टाइप्स ऑफ, मैम टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग, स्टेप्स, देखो स्टेप्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा है आप उसी को स्टेप्स बनाकर लिख सकते हो ना। यस मैम, हाँ मतलब जो जो हमने पढ़ा क्या उसे नोट डाउन करवाना है क्या आपको, नहीं मैम, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे ब्लड क्लॉटिंग पूछी आती है तो फिर आप उसको एज ए स्टेप लिख सकते हो कि टिश्यू इंजर्ट होने के बाद किस तरीके से प्लेटलेट्स वो प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, देन वो फर्दर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। और वैसे आपसे कभी एनटीएससी वगैरह में एग्जाम में ये बीच के प्रोसेसेस पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा हमारी जो आरबीसी होती है वो कौन से मिनरल से बनी होती है, आरबीसी इज मेड अप ऑफ विच मिनरल, ये आपके एनटीएससी का क्वेश्चन है, कौन से मिनरल से बनी होती है आरबीसी,
आपके बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर्स आपको क्या बोलते हैं, क्या खाने को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि खून बढ़े हमारी बॉडी के अंदर? मैम आयरन, आयरन है ना, आयरन रिच फूड खाने को बोलते हैं। वेरी गुड। तो जो हमारी आरबीसी होती है वो आयरन से बनी होती है एंड कॉपर से भी बनती है, ठीक है। आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? एग हो जाएगा, जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड है वो हो जाएंगे, टोफू होता है, पनीर होता है, मिल्क होता है, ठीक है, ये सारे आयरन रिच फूड होते हैं। हाँ, ओके। नाउ अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स, सेकेंड कंपोनेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो पतली पतली पाइप्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि पूरे बॉडी को इंटरनली कनेक्ट करती हैं, लाइक लंग्स को हार्ट से, हार्ट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो पाइप्स कनेक्ट कर रही हैं, उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। सो द वेसल्स दैट कैरी ब्लड इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, ब्लड ब्लड के साथ साथ फिर और क्या क्या चीजें हैं जो इनके थ्रू कैरी होंगी? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो क्या क्या कैरी करता है। ब्लड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा और गैसेस को कैरी करेगा, वेस्ट मटेरियल को कैरी करेगा, है ना, ठीक है। ब्लड वेसल्स मेनली थ्री टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या होती हैं? ये ऐसी वेसल्स होती हैं जो मेनली ऑक्सीजन रिच ब्लड को, सपोज ये आपका लंग है, ठीक है, ये हमारा लंग है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ हमारा हार्ट, ठीक है, लंग से जो ब्लड है वो हमारी हार्ट में जाएंगी एंड हार्ट से भी लंग्स में जाएंगी और यहाँ हमारा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। सपोज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से जहाँ ब्लड को जाना है, तो क्या होगा, हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में भी जाएंगी एंड वापस से बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आएंगी। ये प्रोसेस चलती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, डबल सर्कुलेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारी ये प्रोसेस चलती रहती है ना। तो यहाँ से जो लंग्स से जो हार्ट में ब्लड आती है, ठीक है, ओके, यहाँ से हम देखते हैं हार्ट से जब हमारी बॉडी ऑर्गन से ब्लड जा रही है तो ये कैसी ब्लड जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगी, ठीक है, जो हमारी हार्ट से कहाँ जाएगी, बॉडी में जाएगी, उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, है ना। और ये कौन कैरी करेंगी? ये आर्टरीज होती हैं जो कैरी करती हैं। यहाँ ये जो ब्लड वेसल्स आप देखते हो ये हमारी आर्टरीज हैं, ठीक है। आर्टरीज कैसी ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसे मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ आपको, ये सारी ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो हमारी बॉडी में जाएंगी, ठीक है। हमारे लंग्स से भी हमें यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट को मिला है,
बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, ये पल्मोनरी वेन होती है जो यहाँ पे ब्लड कैरी करती है, ठीक है। वैसे जो वेन्स होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब जिनके जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उस ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है कि ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अभी क्या होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ आपको, ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या होंगे, ब्लड बॉडी ऑर्गन से हमारी हार्ट में जाएंगी एंड हार्ट से वापस से लंग्स में जाएंगी। और ये यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी ये क्या करेंगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आगे जाकर और क्लियर होंगी, यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया है। तो आर्टरीज का फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो ये सारी रेड वाली लाइंस है ना, रेड वाली लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो सारी ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड जो ये ब्लू वाली लाइंस है ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा हार्ट है जिसके फोर चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये सारे ये हार्ट का डायग्राम हम आगे स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि यहाँ पे फोर चैम्बर्स है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये 1 2 3 4, ठीक है। यहां से देखो ये जो हमारा फर्स्ट चैम्बर है इसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे हम राइट एट्रियम बोलेंगे और इसे राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। यहां से क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम से देखो हमारी एक आर्टरी निकली है जिसे हमने अओर्टा बोला है, ठीक है, अओर्टा है। यहाँ से ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जा रही है, ये क्या है हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे अओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर गई। यहाँ पे देख लो ये आपकी पूरी कैपिलरी स्ट्रक्चर है, जो आपको मिक्स दिख रहा है ना रेड एंड ब्लू का जो मिक्स कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये सारी हमारी कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज क्या होती है, वेन्स एंड आर्टरीज जब एक दूसरे से मिलती है जहां पे, वो एरिया कैपिलरीज कहलाता है, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में जा रही है ना, हार्ट के कौन से रीजन में जा रही है, हमारी राइट एट्रियम वाले रीजन में जा रही है, ठीक है। चलो अभी आपको आर्टरीज के बारे में डिटेल में बताते हैं कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज हमारी क्या होती है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये हार्ट से बाहर की ओर ले जाती है ब्लड को बॉडी में, ठीक है। तो आप यहां से याद कर रख सकते हो इस तरीके से, ए एंड ए आर्टरीज है, आर्टरीज क्या करेंगी, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएंगी, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, क्लियर है। बट एक्सेप्शन कहाँ है, जब लंग्स से हार्ट की ओर ब्लड आएगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्लियर है। आवाज क्लियर है ना आप लोगों को, साउंड आ रहा है ना क्लियर, यस मैम, ओके।
जो हमारी आर्टरीज होती है ना, इनका जो इनकी जो वेसल, ये काफी थिक होती हैं, टू वेन्स, ठीक है। आर्टरीज की मसल्स जो होती है काफी थिक होती है, यानी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, वो हमारे हार्ट से करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो ब्लड को ज्यादा दूर तक भेज सके। जब वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा तभी तो ब्लड दूर तक जा पाएंगे ना। तो इसलिए क्या होती है कि जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि जो वेन्स में ब्लड फ्लो होता है ना, उनको इतना प्रेशर नहीं चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है, एंड उन्हें बैक टू हार्ट, सिर्फ हार्ट में लेकर आना होता है ब्लड को, इसलिए वो उनकी वॉल जो होती है थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। हाँ मैम, आपका आवाज बीच बीच में कट जा रहा है। आवाज कट जा रहा है? अच्छा, मैं कोशिश करूंगी अभी नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ चीजें नहीं क्लियर है क्या आद्या? सारी चीजें भी क्लियर हुई है आपको? Yes, ma'am, clear. Okay. So veins, second veins क्या करती हैं? Veins क्या करेंगी? This will carry blood towards heart. Okay. ये heart की तरफ लेकर आएंगी blood को। कैसी blood लेकर आएंगी? Body से? Deoxygenated. Deoxygenated blood है ना? All veins carry deoxygenated blood. Exception क्या हो जाएगा? Pulmonary vein. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, है ना, पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। यहाँ देखो, ये हमारी पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है लंग्स से हार्ट में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये सारी जो है, ये इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे हम? डिफरेंट डिफरेंट वेल्व्स प्रेजेंट होती है वेन के अंदर, जो क्या करती हैं, सपोज ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देंगे, वापस से ब्लड इधर नहीं आ सकती, ठीक है। जहाँ फ्लो करिए एक डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? वेन्स हैव वेल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। और क्या होता है? वेन्स वेन की वॉल्स कैसी होती हैं? वेन वॉल्स आर थिनर, पतली होती हैं, है ना, एंड लेस रिजिड एज कंपेयर्ड टू आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसका नाम क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी इज aorta, ठीक है। जो हमारे हार्ट से
बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेकर जाती है उसे हम aorta बोलते हैं। aorta क्या होता है? लार्जेस्ट आर्ट्री होता है। उसी तरीके से वेन्स जो होता है लार्जेस्ट वेन उसे हम वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना कावा। ये दो होती है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? यस मैम। थर्ड हमारी आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? ये सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होती है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरीज जो होती है हमने देखा था वो हमारे जो टिश्यू है टिश्यू लेवल पे प्रेजेंट होती है। ये मैंने आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बताया था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पे कैपिलरीज थी, हमने देखा था कैपिलरीज में क्या हो रहा था। इस तरीके से हमने देखा था यहाँ पे टिश्यूज थे है ना, एंड यहाँ पे कैपिलरीज आकर क्या कर रही थी, इंट्रासेलुलर स्पेस था यहाँ पे, फ्लूइड भरा हुआ था इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था है ना, O2 अंदर जा रहा था टिश्यूज के एंड CO2 बाहर आ रहा था, और वो फिर क्या कर रही थी, वो कैपिलरीज थी जो कैपिलरीज के थ्रू ही वो हार्ट में जा रहा था वापस से, देखा था ना हमने। तो यहाँ पे कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये कैपिलरीज में होता है। और कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज जो होती है ना बहुत ही पतली वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक बार में एक ही आरबीसी ट्रेवल कर पाएंगी। सपोज ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आरबीसी हैं, तो एक बार में एक ही आरबीसी इनके इनसे ट्रेवल कर पाएंगी। ठीक है, ओनली वन आरबीसी कैन पास from capillary at one time, एक बार में एक ही आरबीसी पास होंगी। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से होती है, सपोज ये आपका हार्ट है, यहां से मैं मैंने ये बनाया वेन्स। ठीक है, वेन्स जब छोटी हो जाती है तो उन्हें वेन्यूल्स बोलते हैं, और जब उसके भी फर्दर ब्रांचेज हो जाते हैं ना वेन्यूल्स के, तो हम उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, ये और जब यहाँ पे आर्टरी है, जब आर्टरीज पतली हो जाएंगी तो इन्हें क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल्स। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हमारी क्या है, ये आर्टरीज हैं, इसमें कैसी ब्लड आएंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसलिए मैंने रेड से बनाया है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे ये थिन हो गई, इन्हें क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी वेन्स है, उसके बाद ये क्या है, वेन्यूल्स है।
एंड यहाँ पे जहाँ पे वेन्स एंड वेन्योल्स आर्टेरियोल्स एंड वेन्योल्स जहाँ पे मिल रहे हैं इस एरिया को क्या बोलेंगे, ये हमारी कैपिलरीज हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज? यस मैम। अरे आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स में क्या डिफरेंस है ना मैम, हो गया था, सॉरी हो गया था, क्या था उसका आंसर मैम? ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरीज में स्मूथ मसल्स के साथ साथ इलास्टिन प्रोटीन भी रहता है, वही आर्टेरियोल्स में खाली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अच्छा उसमें इलास्टिन नहीं रहता है? नहीं मैम। बट आर्टरीज में भी तो होते हैं इलास्टिन, तो आर्टरीज में भी होते हैं मैम, ये फिर हम अपने स्कूल टीचर से पूछे थे यही वाला क्वेश्चन, तो वो मेरे को तो यही आंसर बताए। अच्छा, बट जहां तक मुझे लगता है ये ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। ओके ठीक है, मैं इसे और देखूंगी। आर्टरीज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है, इस तरीके से लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है ना, सबसे एक्सटर्नल लेयर, इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है, फाइब्रस नेचर की होती है। ये कैसी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं, ठीक है। जो हमारी बीच की लेयर होती है इसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ये कैसी होती है, ये स्मूथ मसल सेल से बनी होती है, ठीक है, एंड इलास्टिक इन नेचर होती है। ये इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड होता है ना वो काफी प्रेशर के साथ फ्लो करता है आर्टरीज में, ठीक है, इसलिए इलास्टिक होगी ताकि वो उस प्रेशर को बियर करता है ना। और यहाँ जो सबसे नैरो यहाँ देख रहे हो, इसके ऊपर क्या होती है, ये ट्यूनिका इंटरना होता है, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना होता है, ये एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, एंड इनके अंदर जो होता है ये ल्यूमेन होती है, जो कैविटी आप देख रहे हो ये ल्यूमेन होती है, ठीक है। तो ये जो आपको एक ब्लड वेसल है जो इस तरीके का दिख रहा है, आप इसके अंदर अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो ये आपको इस तरीके की दिखेंगी, जिनमें तीन लेयर्स होती है, ठीक है। जो सबसे अपर लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो बीच की लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, एंड जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, ठीक है। वेन्स के अंदर भी सेम चीजें होती है, वेन्स के अंदर भी ये सारी लेयर्स होती हैं, बट ये जो स्पेस दिख रहा है आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड मीडिया के बीच में जो काफी वाइड होती हैं, वेन्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। वेन्स के अंदर ये बहुत पतली पतली होती हैं एंड इनका शेप भी सर्कुलर नहीं होता है, रैंडम शेप होता है, ठीक है। इनमें भी आपको इस तरीके से ट्यूनिका एक्सटर्ना मिल जाएगा, ट्यूनिका मीडिया मिल जाएगा, एंड अंदर में ट्यूनिका इंटरना मिल जाएगा, ठीक है, एंड सेम ल्यूमेन, यहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट होगा, ये वेन्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड कैपिलरीज कैसी होती है, कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक लेयर होती है, ये एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट हो गया, ठीक है, काफी काफी नैरो होती है कैपिलरी, काफी पतली होती है, इसलिए ये क्या होता है, सिर्फ सिंगल लेयर की बनी होती है,
This is made up of one layer of endothelium. Endothelium cells से बनी होती है सिर्फ single layer होती है, ठीक है? चलो ये blood vessels complete हो गया. अच्छा अब हमें पढ़ना है डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्या होता है तो बता सकते हैं? डबल सर्कुलेशन क्या होता है? यस मैम. हाँ बोलो. ब्लड फ्लोस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू इंश्योर कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हार्ट से ब्लड दो बार फ्लो होता है ना, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. देखो ये लाइंस आप पढ़ो. द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. ठीक है, ये हमारा हार्ट है सपोज. इसमें क्या है, चार चैम्बर है ना, 1 2 3 4. यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. ठीक है, यहाँ पे एक सेप्टम होता है जो इनको सेपरेट करके रखता है. ठीक है, वो सेपरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पार्ट में हमारे मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं एंड इस पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं. ठीक है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इनके मिक्सिंग ना हो जाए, इनको सेपरेट रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें सेपरेट सेप्टम से सेपरेट क्या हो रहे थे. ठीक है, such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. In separation se kya hota hai ki ek highly supply milta hai oxygen ka. theek hai, kyunki jo mammals hote hain, hum humans hain, unhe kya chahiye, zyada se zyada oxygen chahiye, bahut zyada oxygen chahiye cellular respiration perform karne ke liye, hai na. to ek efficient supply of oxygen milta rahe, isliye kya hota hai, inme differentiated hote hain chambers. theek hai, this is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. theek hai, ab dekho ek cheez bata raha hai aapko. yahan pe jo cheeze likhi hain wo kya likhi hain, हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जब आपने 9th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि ये नॉन प्रोडेटा होते हैं एंड प्रोडेटा होते हैं, है ना, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. ठीक है, प्रोडेटा क्या होते हैं, जिनमें नॉटोकॉट बैकबोन प्रेजेंट होता है वो प्रोडेटा होते हैं. ठीक है, प्रोडेटा के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं. एक ग्रुप क्या होता है, वर्टिब्रेटा. ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं. नाउ वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स. ये आप देखोगे जब इवोल्यूशन हो रहा है तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हुआ होगा, है ना. जब इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले फिशेस आई, हमारे वाटर में रहने वाले एनिमल्स आए पहले. ठीक है, फिश का इवोल्यूशन हुआ, फिश से एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड का इवोल्यूशन हुआ एंड देन फाइनली मैमल्स आए. ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारे फिश होते हैं इनके अंदर दो चैम्बर होते हैं हार्ट के. ठीक है, इनका हार्ट इतना वेल डेवलप नहीं होता है, इनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. एंड जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, और जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें
हमारे में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, समझ रहे हो? तो जो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, इनमें सिंगल सर्कुलेशन हम कहते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिर्फ हार्ट से बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जिनमें, इनमें क्या होता है, इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट कैसा होगा, सपोज एक यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम होगा, दिस इज राइट एट्रियम, एंड जो वेंट्रिकल होगा ये डिवाइडेड नहीं होगा, सिर्फ एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है हमारा, हमारा फोर चैम्बर होता है ना, जिसके अंदर लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एंड राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये चीजें सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अभी आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं कि इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। जो जिनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। Fishes, on the other hand, have two chambers on their hearts, to their hearts, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there, and passes directly to the rest of the body. ठीक है? Fishes का समझ में आया कि सिर्फ दो chamber heart होते हैं? Thus, blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. ठीक है? This is known as double circulation. ये डबल सर्कुलेशन क्या है, अभी क्लियर है आपको? किसी को समझ नहीं आया हो तो आप बोल सकते हो, सभी को क्लियर है ये? आकाश, अनंत, अंशुल, आर्यन, आप सभी को क्लियर है ये डबल सर्कुलेशन? यस मैम। क्या क्या पढ़ा अभी हमने, फिशेस के अंदर कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन। ओके, देखो डबल सर्कुलेशन के अंदर दो टाइप्स होते हैं। जो डबल सर्कुलेशन होता है ना ब्लड का, इसे हम कह सकते हैं, पहला जो उसके अंदर होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है। तो जो लंग्स से जब हमारी ब्लड जो होती है हार्ट में पहुंचती है, जो अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपका लंग्स है, ये आपका हार्ट है, एंड ये आपकी बॉडी है, बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट, जब ब्लड जो होगा यहाँ इस पोर्शन में फ्लो कर रहा है इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। एंड जब ये नीचे वाले पार्ट में फ्लो कर रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है, तो इसलिए हम उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड हमारी राइट वेंट्रिकल से, यहाँ देखो ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएंगी, ठीक है। ये कैसी ब्लड होंगी,
deoxygenated. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएंगी एंड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से लेफ्ट एट्रियम में आएगा. ठीक है, यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड. तो ये अपर पार्ट में देखा हमने, ये जो हमारा अपर पार्ट है यहाँ पे ये ब्लड फ्लो का फ्लो चार्ट है. ठीक है, कहाँ से ब्लड आई? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गई, लंग्स से वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएंगे. ठीक है, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये हमारा किसका है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का. नाउ सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? अब जो ब्लड हमारे नीचे की ओर फ्लो करेंगे, मतलब जो बॉडी पार्ट्स में फ्लो करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे. ठीक है, इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेंगे, आउटर से जाएंगे. ठीक है, आउटर से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, देन वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाएंगे ब्लड? राइट एट्रियम में. ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकली थी तो कैसी थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? बॉडी में गई, वापस से बॉडी में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा. यहाँ पे क्या है आपकी? कैपिलरीज मौजूद रहेंगी. ठीक है, कैपिलरीज में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा, ऑक्सीजन दे देंगे वो टिश्यूज को और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, है ना? ब्लड विल बिकम डी ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा एंड देन वो राइट एट्रियम में वापस आ जाएंगे. ठीक है, ये क्लियर है सभी को? पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये थोड़ा आपको अभी टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे कि क्या ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है ना, वेन्स आर्टरीज, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा. लेकिन जब आप इसको रिवीजन करोगे, जब आप इसको खुद से पढ़ोगे, समझोगे, तब ही आपको क्लियर होगा. ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? दिव्यांगी? नो मैम. सब क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? बोलो बच्चों. यस मैम. ओके, अब हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? ऐसा होता है, अभी तक आप लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ये गलत है ना? कैसा होता है हमारा हार्ट? एक फीस्ट का फीस्ट लाइक एरिया होता है. मतलब आप अगर अपनी मुट्ठी बंद करोगे ना, तो आपकी मुट्ठी में जितना एरिया आ रहा है वही उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है. ठीक है, उंगलियां बंद करो, अपनी मुट्ठी बंद करो, जो आपको एरिया जितना बड़ा दिख रहा है आपका उतना ही हार्ट होता है. जब हमने लंग्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि हार्ट हमारा कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये हमारा लंग्स था, ये थोड़ा सा ऐसे देखा था हमने, छोटा था, है ना? हमारा हार्ट इधर ही सिचुएटेड था, टिल्टेड होता है वो लेफ्ट की तरफ. इस तरीके से देखा था हमने कि ये जो हमारा लंग्स था, इसके बॉल को ये पुश कर रहा था, जो राइट लेफ्ट वाला लंग है इसके बॉल को ये पुश कर रहा था, है ना? यहाँ पे इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्या क्या होते हैं हमारे हार्ट में? ये देखो, फोर चैम्बर्ड है, ये देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस वन इज, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम. ये क्या है आपका? ये है लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, ये पोर्शन. नाउ उसके नीचे ये
ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये क्या है आपका, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले वॉल्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं, एंड जो ऊपर वाले होते हैं वो एट्रियम होते हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम, चार वॉल्स हो गए इस तरीके से। अभी क्या होती है इनके पास और क्या होता है, देखो ये वैल्व होते हैं जहां से ब्लड नीचे की ओर फ्लो करेगा। यहाँ पे भी वैल्व है, यहाँ पे भी वैल्व है, ठीक है। ये आपकी पल्मोनरी आर्ट, ये देखो ये पल्मोनरी वेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है। ये ब्लड को कहाँ लेकर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, है ना। ब्लड फ्लो रहा है लेफ्ट एट्रियम में, ये देख रहे हो, यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फ्लो रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स जो है वो कहाँ से आ रही है, हमारे लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। पल्मोनरी वेन्स आई, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को उसने भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये एक वैल्व है, इसे हम बोलते हैं, इसे मिट्रल वैल्व बोलते हैं, ठीक है, या फिर बाई कैस्पेड वैल्व बोला जाता है। बाई कैस्पेड वैल्व का मतलब इनमें इस तरीके से दो कस्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इन्हें दो बाइकस्पिड वैल्व बोला जाता है। मतलब जो इस तरीके से आप देख रहे हो दो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इन्हें बाइकस्पिड वैल्व बोला जाता है, ठीक है। बाइकस्पिड वैल्व क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करने देती है। ये जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वापस से ब्लड आपके एट्रियम में चला जाएगा, नो, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गई, देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगी, ये देखो ये रेड वाली पाइप आपको दिख रही है, जिसे हमने एओर्टा बोला है, ठीक है। ये एओर्टा होती है, ये कहाँ लेकर जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएंगी ब्लड को। देन क्या होगा, वहां पे एक कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होगा ब्लड का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएंगी, ये देखो यहाँ पे आपको ये ब्लू वाली दो पाइप्स दिख रही है, ये है सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, ये दोनों दिख रहा है। यहां से क्या होगा, ये हम ये दोनों आप देखो, ये दोनों ही यहाँ पे राइट एट्रियम में खुल रही हैं, इन दोनों पाइप्स की ओपनिंग कहाँ पे, राइट एट्रियम में है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ पे फॉल होंगी, अभी हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में फ्लो करेंगी, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद देन यहाँ पे एक और वैल्व है जिससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएंगे। ये वैल्व कैसी होती है, ये देखो ये ट्राई कैस्पिड वैल्व होती है, मतलब यहाँ पे जो लीफलेट होते हैं इनके पास इस तरीके से तीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम ट्राई कैस्पिड वैल्व बोलते हैं, ओके। देन यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरीज में, है ना, और पल्मोनरी आर्टरीज के बाद वापस से वो लंग्स में जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम सभी को क्लियर है हार्ट का, हार्ट का डायग्राम क्लियर है? यस मैम। ओके, आप इसका थोड़ा और सिंपलर वर्जन देख सकते हो डायग्राम का, अगर यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो, ठीक है। तो हार्ट के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा अभी क्लियर हुआ है आप सभी को, क्या क्या पढ़ा आज हमने, क्या क्या पढ़ लिया आज हमने, शाश्वत सुचेतन सब कुछ आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। देखो बच्चों ये थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा अभी आप लोगों को, है ना, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो काफी ज्यादा टर्म्स में कंफ्यूजन होगा, लेकिन उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, चलो, थैंक यू गाइज़।